हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा आगे बढ़कर बड़ा हो और पढ़ लिख कर होशियार हो, लेकिन आदर्श गांव हरदुआ में यह कुछ भी साबित नहीं हो रहा। यहाँ के बच्चे पढ़ना बहुत चाहते हैं, लेकिन स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उस पर शिक्षक नहीं है, और शिक्षक भी हैं तो पढ़ाते नहीं। तो आइए जानते हैं इन छात्रों के सुनहरे भविष्य का क्या है, स्कूल के क्या हालात हैं। स्कूल का कोई नहीं है, पानी नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, तो कुछ टीचर आते हैं। टीचर आते हैं कम। तो क्या आप लोग की स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं होती। क्या सोचा है आगे आगे बड़े होकर क्या करोगे? देखते हैं क्या करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ के छात्र जो है सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के चलते इनका भविष्य अधर में लटक रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे पर भले ही सरकार यहाँ पर आगे बढ़ती रही हो, लेकिन एक बेटी से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, यहाँ ना पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पढ़ाई भी नहीं होती स्कूलों में, और सर टीचर लोग कोई नहीं आते हैं, टाइम से स्कूल आते भी हैं तो टाइम से नहीं आते हैं। आप ये भरी दोपहरिया में बैग लेकर कहीं जा रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जाना पड़ रहा? क्योंकि अब यहाँ इतनी सुविधा नहीं है हरदुआ गांव में, तो हमें गांव से शहर में जाना पड़ रहा है भरी दोपहर में। कितने किलोमीटर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है लगभग। क्या आपको जानकारी में है कि हर गांव में स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए? और ये सांसद आदर्श गाँव है हरदुआ, सांसद जनार्दन मिश्र है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है? ठीक नहीं है शिक्षा के लिए, ये कोई बच्चा किसी बच्चे से कुछ भी पूछ लिया जाए कुछ नहीं बनता है, तो अब आज के बच्चों से काका गागा पहाड़े भी नहीं बनते, कुछ नहीं बनता है। तो अभी आप देख रहे थे कि ये एक बेटी गांव से दूर 8 किलोमीटर पढ़ने के लिए जा रही है, और इसको ये भरी दोपहर में गर्मी की दोपहर में सफर तय करना पड़ रहा है साइकिल से, क्योंकि यहाँ पर वाहन की सुविधाएं भी नहीं है, और यहाँ अन्य कोई सुविधा ना होने के चलते ये दूर गांव से जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनको सुनहरा भविष्य बनाना है, और इसी सपने के साथ ये दोपहर में भी साइकिल से गांव से दूर शहर जाते हैं ताकि पढ़ लिख कर ये अपने पैरों पर खड़े हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास। तो आइए आपको हरदुआ गांव में आदर्श गांव में दिखाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना कितना असर दिखाई देता है, यहां पर लोगों को इस योजना का लाभ मिला है या फिर ये सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। क्या नाम है आपका? तो हम पहुंच गए हैं सुखलाल के घर में, जहां पर ये प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन लगाए थे, लेकिन इनको अब तक योजना का लाभ नहीं मिल सका। इन्होंने शौचालय भी जो बनाया है अपने घर में अपने खुद के पैसे से बनाया, आश्वासन मिला था कि शौचालय बना लो इसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन शौचालय बनने के बाद इन्हें पैसे नहीं मिले और ये मायूस है कि इन्हें कब पैसा मिलेगा। इसी तरह हाल प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है, आवास के नाम पर इनसे ठगी की गई, कागजों में इनसे दस्तखत कराए गए, लेकिन अब तक योजना का लाभ इनसे इन्हें नहीं मिल सका। आइए आपको हम सुखलाल से ही मिलाते हैं कि इस योजना का लाभ इन्हें कितना मिला है। बिल्कुल नहीं मिला सर। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिला? नहीं मिला। क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद साहब जो हो 50-60 साल 70 साल हो इनका हो, ये जैसे अब नाती वाले हो गए साहब, क्या कही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप उम्मीद लगाए थे कि आपको वो आवास योजना के लिए पैसा देंगे, आप घर बनाएंगे, पक्का मकान होगा आपका, लेकिन आपको अब तक योजना का लाभ नहीं मिला। बनाए थे साहब, देख ले यहाँ तो माटी है। तो आइए आपको ले चलते हैं सुखलाल के अंदर, घर के अंदर, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से जीवन यापन कर पा रहे हैं। यहाँ पर योजना का लाभ इन्हें क्यों नहीं मिल पाया और क्या समस्याएं हैं ये हमने आपको अभी तक दिखाया। अब ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से जर्जर मकान में ये रहने के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री का सपना था कि हम हर
व्यक्ति के हाथ में एक पक्का मकान देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है यहाँ पर। कागजों में भले ही बड़े बड़े वादे किए जा रहे हों कि पक्के मकान इनको दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक योजना का लाभ इनको नहीं मिल सका। और ये खास तौर पर सांसद के आदर्श गांव हरदुआ में हाल है कि जहां पर लोग भटक रहे हैं एक आवास के लिए, पानी बिजली सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए। किस तरह से आदर्श गांव में बदहाली का आलम है, सड़क पानी बिजली से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं की यहां पर कमी है। स्कूल की खस्ता हाल व्यवस्था भी आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं यहां के निर्माण कार्यों की। मेरे पीछे ये जो भवन दिख रहा है ये स्कूल भवन है। इस भवन को बनने से पहले ही उजाड़ दिया गया। भवन की इमारत खड़ी हुई थी, लोकार्पण भी नहीं हो पाया, और आप इसे देख पा रहे हैं कि ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। विकास के दावे कितने भी हों, लेकिन जमीनी हकीकत ये बयां करती है कि सांसद की यहाँ पर उदासीनता किस कदर हावी रही है। निर्माण कार्य भले ही करोड़ों रुपए हजम करने के लिए किए गए हों, लेकिन हरदुआ गांव के लोगों को यहाँ मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं मिल पाई। सांसद को 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन सांसद आदर्श गांव की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी वो आज भी यहां पर पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। अब चुनावी वादों के साथ आदर्श गांव को मॉडल बताते हुए सांसद जनार्दन मिश्र फिर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और उनका दावा है कि आदर्श गांव की तहत ही पूरे जिले भर को वो विकसित करेंगे, विकास का मॉडल तैयार करेंगे। लेकिन आप विकास के मॉडल को बखूबी देख पा रहे हैं। जिस गांव में पानी के लिए लोग भटक रहे हों, बिजली ना हो, सड़क ना हो, और इमारतों की इस तरह खस्ता हाल हो, सांसद आदर्श गांव में करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधाएं जुटाई गई हैं। आपने अभी जमीनी हकीकत देखी, यहाँ पर कितना लाभ मिला। हम आपको बताते हैं विधायक निधि, सांसद निधि और सांसद आदर्श गांव में जल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पीएचई विभाग से लेकर विधायक निधि और सांसद निधि का यहां पर लाखों रुपए खर्च किया गया, बावजूद हैंड पंपों की ये हालत यहां पर पड़ी हुई है। गांव में पानी की बड़ी किल्लत है, बावजूद इसके यहाँ पर पानी के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। गांव में 2 दर्जन से अधिक हैंडपंप मौजूद हैं, लेकिन ये हैंडपंप इसी हालत में आपको मिलेंगे। किसी हैंडपंप पे पानी निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये किस हालत में हैंडपंप है। उखड़े पड़े हैं, इनमें अंदर पाइप नहीं है, किसी में हैंडल नहीं है, तो किसी में प्लेटफॉर्म नहीं है। गांव की आबादी 5,000 की है, लेकिन 5,000 की आबादी के लिए कोई भी पानी की सुविधा यहां पर मौजूद नहीं है। नजदीक ही तालाब है, बाण सागर योजना का पानी वहां पर पहुंचना था, नहर के जरिए तालाब में पानी लाना था और फिर सब नहरें बनाकर गांव तक पहुंचानी थी, लेकिन नहरें तो दूर, यहां पर जो हैंडपंप मौजूद हैं विधायक निधि और सांसद निधि के, वो भी खस्ता हाल है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि सांसद निधि में जमकर यहां पर भ्रष्टाचार हुआ, कमीशन के नाम पर इन हैंडपंपों को खस्ता हाल कर दिया गया और गांव विकास से अछूता रह गया। आज हमने सोचा था
प्रधानमंत्री के सबसे बड़े सपने आदर्श ग्राम का दौरा करें, अपने दर्शकों को दिखाएं आदर्श ग्राम क्या होता है, आदर्श ग्राम के मायने क्या हैं, आदर्श ग्राम का विकास किस तरीके से किया गया। हमने आपको दिखाने की कोशिश की हरदुआ आदर्श ग्राम, हमारे सांसद ने जिस गांव को गोद लिया था। जैसे ही हम लोग आदर्श ग्राम का दौरा करके बाहर निकले, यात्री प्रतीक्षालय में हमें कुछ लोग बैठे दिखे। हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ लोगों से बात की जाए, यात्री हैं शायद बाहर से आए हों, मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं। ये आप यात्री प्रतीक्षालय में बैठे किसका इंतजार कर रहे हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर? देखिए, मैं भोपाल से आया हूँ और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को भोपाल से रीवा लोकसभा का मीडिया का प्रभारी बना के भेजा था। कल पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि रीवा लोकसभा में 5 साल पहले जनार्दन मिश्र जी को, जो रीवा की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, तो इस 5 साल में उन्होंने क्या कार्य किया होगा, इसका आईना सबसे अच्छा उनके मोदी जी के सपने को साकार आदर्श ग्राम के तौर पे किया होगा। मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए आदर्श ग्राम की स्थापना की थी। जैसा कि एक संयोग की बात है कि हमारे साथ जो सज्जन मौजूद हैं वो भोपाल से आए थे, खास तौर से रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के आदर्श गांव को देखने। तो आपने उस गांव में क्या देखा, क्या लगा आपको गांव देखने के बाद, कैसा लगा? मैंने आते टाइम जनार्दन मिश्र जी के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करी थी और मैंने पाया था कि उनको रीवा में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो मैंने आदर्श ग्राम को विजिट करने का अपने प्लान में सबसे प्रथम रखा और आज आने के बाद बड़े ही दुख के साथ मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद जो शब्द है आदर्श, वो आदर्श आइडियल गांव बनाने की जो मोदी जी की थीम थी, उसको यहाँ भाजपा के सांसद ने जो अन्याय करा है, चाहे वो रीवा लोकसभा हो या एक आदर्श ग्राम में जो मेरे को मॉडल मिलना चाहिए था, उसके विपरीत उनकी कथनी और करनी में जनता और रीवा लोकसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ है, ये साफ प्रतीत होता है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ, आइडियल गांव की परिकल्पना केवल परिकल्पना ही रह गई, ये भोपाल से आए हुए सज्जन कर रहे हैं। मैं और भी कुछ लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा क्या वाकई आइडियल गांव की परिकल्पना ही बनकर रह गई। क्या कहेंगे आप? जी, मैं रीवा शहर का कार्यकारी अध्यक्ष मंजूर खान, अपने भोपाल से आए हुए अतिथि शहरयार खान साहब के कहने पर कि मैं जनार्दन मिश्रा के आदर्श गांव का दौरा करना चाहता हूँ, उनको लेके मैं यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद, इस आदर्श गांव को देखने के बाद ऐसा लगा, क्या ऐसा आदर्श गांव होता है जहाँ एक भी पानी के पीने की व्यवस्था न हो, सारे हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं, तालाब सूखा पड़ा हुआ है जिसको कि बाणसागर का पानी लाके भरने के समस्या थी, 5 साल में वो तालाब नहीं भर पाया। और यहाँ बिजली की समस्या महत्वपूर्ण समस्या है, यहाँ के लोगों में त्राही त्राही है और ये आदर्श ग्राम योजना के तहत सिर्फ यहाँ की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है और धोखा किया गया है। जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, आइडियल गांव की परिकल्पना केवल परिकल्पना ही बनकर रह गई। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।